We have a wave of terrorism in Pakistan right now, and this needs to be dealt with. China has always stood with us, and I must say, Turkey has stood with us. But you know, other even Muslim countries, despite knowing the injustice going on in Kashmir, just like in Palestine, they do not stand with us. Which is, by the way, one of the reasons I feel that when we are told to take sides in a conflict like Ukraine, why should we? मसला कश्मीर पर तुर्की और चीन के सिवा कोई हमारे साथ नहीं। यूक्रेन रूस जंग का हिस्सा बनना हिमाकत होगी। कप्तान की तुर्किश मीडिया से बातचीत। हमारी हुकूमत गिराने पर तवज्जा। अफगान पॉलिसी को भुला दिया गया। टीटीपी फिर मुनज़िम हो गई। टेक्नोक्रेट हुकूमत के शोशे को इमरान खान ने मुस्तरद कर दिया। एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते खत्म। इलेक्शन के लिए हुकूमत से ज्यादा पीछे बैठे लोगों का राजी होना जरूरी है। कहा बाजवा के लिए सियासतदानों की करप्शन कोई मसला ही नहीं था। मुल्क के डिफॉल्ट करने का इम्कान 95% तक पहुंच चुका है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फैसला। आईएसपीआर के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में पाक फौज के पेशावराना और तंजीमी उमूर पर तबादले ख्याल हुआ। तहरीके इंसाफ फैसला कुन मरहले की जानेब गामजन। शाह महमूद की क्यादत में अरकान असम्बली आज स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करेंगे। पीडीएम की टाल मटोल पॉलिसी। इस्तीफों पर ताखीरी हरबे। स्पीकर राजा परवेज अशरफ कहते हैं इकट्ठे आने की जरूरत नहीं, हर मेंबर अलग अलग आए। इस्तीफा लिखे फिर तस्दीक करूंगा। पॉलिसी बड़ी वाजे है। ये कहना कि अब शहबाज शरीफ और इनकी हुकूमत नहीं चल रही तो हम अमेरिका से या कहीं से कोई टेक्नोक्रेट इंपोर्ट करके यहाँ पे लगा दें, हमें बहुत तशवीश है कि आप कह रहे हैं कि इस हुकूमत को घर बेच के हम 2.5 साल के लिए टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बना। देखें, ये पाकिस्तान के साथ ये तजुर्बे और मजाक बंद होना चाहिए। इमरान के बगैर तो पाकिस्तान की सियासत भाग। इम्पोर्टेड टेक्नोक्रेट के खिलाफ एहतजाज हुआ तो वो जूते छोड़कर भाग जाएंगे। शहबाज शरीफ को घर भेज कर टेक्नोक्रेट हुकूमत लाना बड़ी गलती होगी। फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान में फैसले करने वाले लोग मजीद तजुर्बे करना बंद कर दें। हमाद अजहर बोले पीटीएम का तजुर्बा फेल हो गया, कोई नया तजुर्बा किया गया तो वो भी फेल होगा। दुरुस्त फैसले किए जाएं तो मुल्क अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।